हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मेथी के परांठे और साथ में मिक्स वेज। तो मैंने मेथी को बॉईल करना है, तो उसके लिए मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है मेथी को। और ये देखिए, जो हमारा मेथी है वो तैयार हो चुका है, मतलब अच्छे से बॉईल हो चुका है। और बहुत सिंपल है बनाना, तो मैं इसको साइड में रख लूँगी थोड़ा ठंडा होने के लिए, और इसके बाद फिर मैं आटे में इसको मिक्स कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए, जो मेथी है बहुत ही अच्छा होता है खाने में मेथी के परांठे, एंड हेल्दी भी रहते हैं। और फ्रेंड्स, सर्दी यानी कि हरी सब्जियां, तो ये अच्छा टाइम होता है कि आप अपनी हेल्थ बनाइए, हेल्दी खाइए। और मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां आती है, चाहे मेथी ले लो, पालक ले लो, गथवा ले लो, बहुत सारी सब्जियां अवेलेबल हो जाती है। तो एक अच्छा टाइम है कि आप सब्जी खाइए, खूब खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे प्याज टमाटर काट लिया है, साथ में मैंने थोड़ी मिक्स सब्जियाँ ली हैं। और ख़ासकर मिक्स सब्जी भी सर्दी में बहुत ज़्यादा बनती है, हमारे घर में तो बहुत बनती है, आपके यहाँ बनती है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिक्स सब्जी में जो आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स डाल लिए हैं, ठीक है, सरसों डाला है मैंने तेल में। और इसके बाद जो ऐसे नॉर्मली हम सब्जी बनाते हैं उसी तरीके से हम बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा गार्लिक जो होता है, लहसुन हमेशा डालती हूँ, इससे क्या होता है मतलब हेल्थ ठीक रहता है, कहते हैं हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है गार्लिक। और जब थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए तो बाकी की चीज़ें जैसे कि प्याज हो गया, टमाटर हो गया, जैसे नॉर्मली हम सब्जी बनाते हैं उसी तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी का शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि आज मेरे 320 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 320 यानी कि 320। आई नो थोड़े कम हैं, बट मेरे लिए ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से चैनल को लाइक करना, सपोर्ट करना, शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी सब्जी बन रही है, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, मैं मसाले जो होते हैं ना, मैं लास्ट में डालती हूँ हमेशा। तो कुछ कुछ क्या होता है, जैसे टमाटर के बाद से तो मसाले डाल देते हैं, तो मैं बाद में ही डालती हूँ। और जैसे ये देखिए, बहुत टेस्टी होती है सब्जी, और मतलब मिक्स सब्जी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और सर्दी में तो बहुत ज़्यादा बनती है हमारे यहाँ। आपके यहाँ बनती है नहीं बनती, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो नॉर्मल जैसे गर्म मसाला हो गया, हल्दी हो गया, नमक हो गया, मिर्च हो गया, वही मसाले डालती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ और ऐड नहीं करती, सिंपल सा खाओ, सिंपल अच्छा होता है, टेस्टी भी होता है। तो मैंने धीमी आँच में रख दिया है, ठीक है। और मैंने उसमें पानी ऐड नहीं किया है सब्जी में, बिना पानी के ही बन जाती है और टेस्ट भी बनती है। तो यहाँ मैंने आटा लिया है, साथ में यहाँ पे थोड़ा मैं जीरा डालूंगी, क्योंकि मुझे जीरा का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको इसमें अजवाइन डालें तो आप अजवाइन डाल सकते हो। साथ में यहाँ पर नमक डालूंगी और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मिर्च, ठीक है। और साथ में फ्रेंड्स, मैं इसमें जो हमारे मेथी थी उसको मिक्स करके हम इसका डो तैयार कर देंगे। और फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट है, ज़रूर बनाएगा, हेल्दी भी है, यकीन मानिए सबको आएगा पसंद खाने में। और इसके जैसे मैं परांठे बनाऊंगी तो इसके आप पूड़ी भी बना सकते हो, तो पूड़ी भी बहुत अच्छी होती है खाने में। तो अगर आपको कभी बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो इसको हम मैं जो मेथी है अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और फ्रेंड्स, दो दिन बाद धनतेरस है, तो धनतेरस में गोल्ड खरीदे, चांदी खरीदे या ना खरीदे, तो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला है, मे बी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये डो तैयार कर दिया, ये देखिए फ्रेंड्स। सो ये हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है, इसके हम परांठे बनाएंगे। और साइड बाय साइड फ्रेंड्स, जो मैंने सब्जी रखी थी वो भी हमारी पक चुकी है, ये देखिए। धीमी आँच में रखना है और बीच बीच में पलटते रहना है, बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ट्रायंगल के शेप में बनाया है, ये देखिए। सो हमारे परांठे हैं वो भी रेडी हो चुके हैं, खाने में बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मेरा ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको ब्रेकफास्ट पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।